स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त या रिसर्च के टाइम आपने पीई रेशियो ये टर्म तो सुना ही होगा, लेकिन ये होता क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीई रेशियो एक कंपनी के स्टॉक प्राइस और अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस के बीच का रिलेशन है। ये एक पॉपुलर रेशियो है जो इन्वेस्टर्स को कंपनी की वैल्यू समझाने में मदद करता है। पी रेशियो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को दिखाता है और ये वो प्राइस है जो आपको पे करना पड़ता है पर यूनिट ऑफ करंट अर्निंग्स या कभी कभी फ्यूचर अर्निंग्स। मतलब ये वो प्राइस है जो इन्वेस्टर्स कंपनी के एक रुपए अर्निंग के लिए पे करते हैं। अगर अर्निंग्स के आने वाले समय में बढ़ने की उम्मीद है तो शेयर प्राइसेस टेंड टू गो अप एंड वाइस वर्सा। अगर शेयर प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ से ज्यादा तेजी से बढ़ा है तो पी रेशियो हाई हो जाती है। अगर शेयर प्राइस अर्निंग से बहुत ज्यादा गिरा है तो पी रेशियो लो हो जाती है। हाई पी रेशियो का मतलब है कि स्टॉक की वैल्यू महंगी है और इसका प्राइस फ्यूचर में गिरने के भी चांसेस हैं। वेयर एज लो पी रेशियो इंप्लाइज कि स्टॉक सस्ता है और इसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है। अब देखते हैं व्हाट इज अ गुड और एन आइडियल पी रेशियो फॉर स्टॉक्स। सही पी रेशियो आमतौर पर 12 से 20 के बीच होता है, जो इंडिकेट करता है कि एक कंपनी का स्टॉक ना तो ओवर वैल्यूड है और ना ही अंडर वैल्यूड। ये रेंज रिस्क और ग्रोथ पोटेंशियल को बैलेंस करता है, जो इसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल बनाता है। गुड पी रेशियोज इंडस्ट्री और मार्केट के हिसाब से अलग होते हैं, लेकिन ये यूजुअली ऐसे रेंज में रहते हैं जो कंपनी के स्टॉक को ना तो बहुत महंगा बनाते हैं और ना ही सस्ता। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बैलेंस दिखाता है बिटवीन द प्राइस दे पे एंड द मनी द कंपनी मेक्स। नाउ लेट्स लुक एट पी रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट टेक द स्टॉक्स करंट मार्केट प्राइस। नाउ अर्निंग्स पर शेयर को आइडेंटिफाई करो। ईपीएस आपको यूजुअली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल जाएगी। ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। नाउ डिवाइड मार्केट प्राइस टू ईपीएस से यूजिंग दिस फॉर्मूला। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर एंड दैट गिव्स यू पी रेशियो। होप इस वीडियो से आपको सारे पी रेशियो से जुड़े क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है या डाउट्स है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू 5paisa। इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।